Hello dear friends, how are you? I hope that you all have been taking a very very good care about your health as well as your studies. Today in this video we are going to solve exercise number 13 from typical approach to general English of direct into indirect speech. Clear? But is speech mein hum indirect se direct kar rahe hain. Clear? So number 1 dekhenge, he wished that I might prosper. तो विश को दोबारा वापस हम सेड में चेंज कर लेंगे, दैट की जगह दोबारा से हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास कर लेंगे. माइट है, इसका मतलब कि ये ऑप्टेटिव से है तो माइट दोबारा मे हो जाएगा. आई को हम फिर से यू में चेंज कर देंगे एंड प्रॉस्पर. एक बार फिर देख सकते हैं, अगर ही सेट को हम फिर से चेंज करें तो ही सेट का विश्ड किया जाएगा, फिर दैट आएगा, यू को ऑब्जेक्ट चूंकि दिया नहीं है वो कह रहा है, तो ये यहाँ पर मी मुझसे कह रहा है, तो आई हो जाता है मे का माइट और प्रॉस्पर. Got it? Next भी same है, the mother wished का हो जाएगा the mother said, that का comma inverted comma, I might live long, may you live long. The mother मेरी माँ कह रही है कि भगवान तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो, दीर्घायु हो, तो may you live long. Clear? Now number 3 को देखेंगे. The holy men प्रेड की जगह हो जाएगा सेट और ऑब्जेक्ट है हर, तो यहाँ आ जाएगा सेट टू हर. दैट की जगह कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, गॉड माइट, माइट पहले आ जाएगा, मे गॉड, बाकी सेम हो जाएगा ब्लेस, हर को बदल देंगे यू विद आ सन. यहाँ पर He said to his friend, क्या कहा उसने, goodbye. तो he wished goodbye to his friend. Got it? है ना interest? Number 5 check करेंगे. He prayed to God to help him. तो he cried, God help me. Last है, I prayed God might grant him success in life. So I cried, oh God grant me success in life. जब दोबारा जाएंगे तो ऐसे I cried का I prayed, oh God to God, okay, grant me success in life. Got it? ये मेथड आपको कैसा लगा, सॉल्यूशन का अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, सी यू.